कैसे मैं भैया, अरे
अरे किस कारण अभी जिंदा हूँ, रघुनाथ बहुत शर्मिंदा। उसके लिए तो मेरा मर जाना ही ठीक है। तो किस कारण अभी जिंदा हूँ, रघुनाथ बहुत शर्मिंदा। अब जटायु के पास भगवान राम पहुंचे। जटायु ने भगवान राम से कहा, अरे जनक नंदनी जग जननी, जो आपकी जीवन आयु है, और बहुत ही अच्छे कलाकार भैया इंद्रेश पटेल जी, खड़े हो जाओ। ये गीत हमारे भैया दीपांशु श्रीवास्तव जी ने लिखा है, जिनको अनमोल तूफानी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इंद्रेश भैया के लिए भी आपको बजाए। सुंदर सा पुष्पमाल साथ में ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे रचनाकार के लिए और हमारे लिए आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए जटायु ने कहा, प्रभु प्रभु अरे जनक नंदनी जग जननी, जो आपकी जीवन आयु है और बचा नहीं पाया सीता को, लेकिन मिला जटायु है। मैंने प्रयास तो किया मगर मैं माता सीता को बचा नहीं पाया, तो बचा नहीं पाया सीता को, लेकिन लड़ा जटायु तो कुल की वधू। छोटे भैया, अरे कुल की वधू जिसको वधू जिसको माना है, अरे मैं तो एक परिंदा हूँ। सोचो सोचो जवाब कब है, जब काफिया अलग हो जाए। अरे मैं तो परिंदा हूँ, रघुनाथ बहुत शर्मिंदा। और हमारे जेपी भैया के साथ जो संगत करते हैं, रोहित भैया आपके माध्यम से आप बता दीजिए जो बोलना है। जेपी भैया की तरफ से। अच्छा, जेपी भैया की तरफ से आया है, क्या बात है। बहुत अच्छे कलाकार हमारे बड़े भाई साहब जेपी मंचला जी के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे अनुज के लिए आए हैं। जोरदार तालियां हमारे जेपी भैया के लिए आपको बजा दें, जो स्वयं में बहुत अच्छे कलाकार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए चंद्रमा भैया,
फिर गली मेरे जीत में कुछ नहीं है। जटायु ने कहा मैंने प्रयास किया माता को बचाने का, लेकिन और ये बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद इसको बाद में मैं तुरंत भूलूंगी। सुंदर सा पुष्पमाल और ये अभी बोल बोल बात बोल दे। अच्छा बात बात बोल दे। चलिए मैं भी यही सोच रही थी क्योंकि गाने का टेस्ट बहुत मीठा हो जाएगा। सुनिए पत्नी का हरण कर लिया। मैंने समझाया तो उसने मेरी भी बात नहीं मानी तो कहना पड़ा क्या? अरे सिया हरण करके भाई ने उनकी लाज लजाई है। लाज लजाई है और त्याग दिया है इस भाई को, भाई की बात न भाई। तो कहा प्रभु प्रभु और शरणागत मैं रघुनाथ रघुनंदन। तो इतना ही नहीं अधर्मों में अधर्म शब्द सुनिएगा, अधर्मों में अधर्म चुनिंदा हूँ। एक लखपूत सवा लख नाती तबहु रावण घर दिया ना। इसको अंडरलाइन कर लेना, अधर्मों में अधाप चुनिंदा हूँ, पापों का एक पुलिंदा हूँ, और लंका का मैं भी हो गया पत्थर दिल। yeah!
दिल भी हो गया पत्थर दिल, नजरों से गिर गई लाल रही ना ममता माँ की अनुपम किस्मत की मारी, अरे अनुपम किस्मत की मारी, तुम्हारे जाने के बाद सुनती रही बस निंदा, सभी की गालियां सुन रहे सुनती रही बस निंदा हो रघुनाथ बहुत शर्मिंदा। विचार मंच के तत्वाधान में जवाबी कीर्तन का आयोजन किया गया है दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को। स्थान है नागरगंज निकट अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, जिसमें पार्टियां है यह इंडिया वालों की देन है, जो हर साल एक नई पार्टी लॉन्च होती है और इस बार जो जवाबी करने के लिए पहली बार जिनका लखनऊ में आगमन हो रहा है, सम्मानी बड़े भैया नरेंद्र दीवाना जी झांसी, और इनका जो साथ देंगे उस दिन वो है रोशनी अभियान लखनऊ। सौजन्य से ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच आदरणीय सम्मानी हमारे भैया प्रेम नारायण शर्मा जी, मुनीम जी, भैया हमारे भूपेंद्र रावत जी, योगेंद्र भुंदेला जी, मेहदी खरे जी, पंकज चौहान जी, जोगिंदर चौहान जी, संस्थापक हमारे भैया राकेश वर्मा जी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के तत्वाधान में एक जवाबी और रखी गई है, भरभना हनुमान गढ़ी मंदिर इटावा, तारीख है 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार, जिसमें पार्टियां है भैया शंभू हलचल जी कानपुर और सचदेवा शरारती कानपुर। आयोजक है भैया हमारे पंकज चौहान जी एवं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी सदस्यगण, आप सभी की ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए, बार बार धन्यवाद है। और सभी लोग ये दोनों जवाबियां सुनने के लिए जरूर आइएगा, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे तुझ से पिछड़ के जिंदा है, शर्मिंदा जान बहुत शर्मिंदा।
बढ़िया बात आई है किसका कर अभी चिंता है, ये रघुनाथ बहुत अरे किसका कर अभी चिंता हूँ, ये रघुनाथ बहुत शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ अच्छा परिंदा हूँ जिंदा हूँ। अब जवाब देखें सुने सुने शर्मिंदा का जवाब गौरवान्वित हो सकता है, कोई यदि शर्मिंदा है उसे गौरवान्वित कर दिया जाए। सुने जवाब अरे मेरे पुत्र ने सेवा लक्ष्मण भी साथ में चले गए तो सुमित्रा ने कहा क्या कि मेरे पुत्र ने सेवा सुनकर कोख का मान बहाया है और अरे माँ के सिर गौरव से माँ का सिर गौरव से ऊंचा करके उसने दिखाया है तो कुलभूषण तुम मेरे छैया। जवाब की एक एक लाइन सुनिएगा कि कुलभूषण तुम मेरे छैया तो मैं कुछ भी ना त्यागी हूँ अरे मैं कुछ भी ना त्यागी हूँ तो गौरवान्वित मैं बड़ भागी हूँ। आज मुझे प्रभु श्री राम के सेवा करने का अवसर मिला गौरवान्वित मैं बड़ भागी श्री राम सिया लक्ष्मण केवट से मुलाकात हुई तो केवट रोने लगा सोचने लगा मैंने तो कई जन्मों से तुम्हारा इंतजार किया प्रभु आज तुम्हारे कई जन्मों से इंतजार किया प्रभु आज तुम्हारे तो मांगी ना वो न केवट राधा पाया लेकिन आज प्रभु श्री राम स्वयं मुझे बुला रहे हैं ये होती है पक्की अरे आज चरण रज पाकर आज चरण रज पाकर मानेगा के मांगी ना वो न केवट आना वो मन में मुस्काता है वो हर साता है
कुल की पोषक है ये नहीं, ये जो मेरी नाव है ये कुल पोषक है, यानी घर का खर्चा इत्यादि इसी नाव से चलता है। और कहीं प्रभु तुम्हारे चरण पर जिस पर पड़ गए थे नारी बन गई तो मैं क्या करूं, के कुल की पोषक है ये नैया। तो युग युग से मैं अभागी हूँ, कई युगों से मैं चाहता था कि प्रभु के शरण मुझे मिले, शरण के युग युग से मैं अभागी हूँ, तो कौरवानित मैं बड़भागी हूँ। आज मैं भी कौरवानित हो गया प्रभु के पद शरण पा के, कौरवानित मैं गमन से। तो भरत ने देखा सर्व पादुका जी और कहा प्रभु अब राज्य आप संभालें। तो जग अरे जग जप राम राम जप जे ही, भारत दुलारे हैं के नृपत दशरथ के राम भरत ही मैन मैन के तारे हैं। तब अरे अपनी धरोहर ये लो भैया, तुम्हारे चरण पादों का मैं लेकर के आया था, अब इसको ले लीजिए, ले लो और संभालिए राज। अपनी धरोहर ले लो भैया, तो सरस चरण का अनुरागी है, सरस चरण का मैं तो सिर्फ चरणों का अनुरागी हूँ, मुझे राजपाठ नहीं चाहिए। अरे वाह, मुझे राजपाठ नहीं चाहिए, भरत कह रहे हैं सरस चरण का अनुरागी हूँ। तो आज मैं पादुका देकर आपको राज सौंप कर कौरवानित मैं बड़भागी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।